नमस्कार दोस्तों, मिस्टर होमेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिकेश कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अगर हमने सीलिंग फैन के दोनों बैरिंग चेंज करने हैं तो आपने कैसे करने हैं। देखिए फ्रेंड, ये सीलिंग फैन का ऊपर वाला बैरिंग है। ये फैन खोला हुआ है मैंने, तो ये तो आसानी से निकल गया। इसके ऊपर प्लेट लगी होती है, वो खोली मैंने और ये निकल गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई प्लेट नहीं है नीचे वाली बैरिंग में, तो नीचे से बिल्कुल कवर है। तो आपने कैसे खोलना है? ज़्यादातर फ्रेंड्स इस बैरिंग को निकालने के लिए इलेक्ट्रिशियन हमेशा वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं। वेल्डिंग के साथ ऐसी कोई रॉड अटैच करके इसको चोट लगा देते हैं और बैरिंग बाहर आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, वेल्डिंग वाला बैरिंग निकालने के हमसे 40 से 50 रुपये लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए हमने इसको बिना वेल्डिंग के कैसे निकालना है इस बैरिंग को, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आपने ये कैंडल लेनी है, कैंडल और एक शावर लेनी है जो बैरिंग में थोड़ी सी लूज हो और ज़्यादा कवर करे कि ये इसकी कैंडल का जो मोम है ये बाहर ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे निकालना है आपने। ये धागा निकाल देना है आपने बीच में से, ये धागा बाहर निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका बैरिंग बड़ी आसानी से बाहर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो आपने बैरिंग चेंज करना है, आपने चाइनीज बैरिंग नहीं यूज़ करना, आपने NBC कंपनी या SKF का यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने बैरिंग कैसा लेना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल जेट बैरिंग है, ये दोनों साइड से कवर है और इसमें ग्रीस है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा पंखा चलता है तो काफ़ी गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उसकी ग्रीस बैरिंग की मेल्ट हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, गर्म होने के कारण इसकी ग्रीस बैरिंग की या तो सूख जाती है या निकल जाती है गर्म होकर। लेकिन जब डबल जेड बैरिंग डालते हैं हम, तो इसमें से तो ना ग्रीस सूखती है और ना ही गर्म होके बाहर निकलती है, जिसके कारण बैरिंग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको पंखे के बैरिंग चेंज करके फिट करके
दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस ये जो मोम है कैंडल वाला, इसे आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी पेपर में इसको रख लीजिए, अगर दोबारा बैरिंग निकालने की ज़रूरत पड़े तो आप इस मोम को दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इसे मेल्ट करके भी रख सकते हो, ये देखिए मैंने पहले भी रखा हुआ है। ये बिल्कुल साफ हो गया और आपने चेक कर लेना है कि शावर में बैरिंग यूज तो नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बैरिंग को नीचे लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बैरिंग बिल्कुल सही है आपका, वो वैसे ही आपने ऊपर वाला बैरिंग भी चेंज करना है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि अगर पंखे के बैरिंग की लाइफ अच्छी होगी तभी आपके पंखे की मोटर की लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स पक्का कैसे जलता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब आपके बैरिंग जाम हो जाते हैं, उनमें ग्रीस सूख जाती है या ग्रीस निकल जाती हैं, तो मोटर का जोर ज़्यादा लगने लगता है, जिसके कारण मोटर गर्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, मोटर गर्म होने के कारण जो फैन में स्टेटर के ऊपर वायरिंग की होती है कॉपर की, तो उसके ऊपर पहले एक पेपर लगता है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा फैन गर्म होने के कारण वह पेपर टूटने लग जाता है या जल जाता है, और जिसके कारण आपका पंखा शॉर्ट होकर जल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप बढ़िया बैरिंग पंखे में डालोगे तो आपके पंखे की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने कभी स्टेटर को चोट लगानी है तो इसके ऊपर वुडन लकड़ वगैरह रख के फिर हैमर से चोट लगानी है, ठीक है। ऐसे नहीं चोट लगानी क्योंकि इसकी शीट खराब हो जाएगी और फिर ये बैरिंग के अंदर शावर नहीं जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग आपने नीचे डालना नहीं भूलना है, ये स्प्रिंग स्टेटर के नीचे जरूर डालना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने सीलिंग फैन के ये तीनों होल स्क्रू वाले होल मैच कर लेने हैं, तभी आपने इसको प्रेस करना है अच्छी तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीनों स्क्रू लगा लेने हैं जो थोड़ा सा प्रेस हो जाए। देखिए फ्रेंड्स,
आपका फैन बिल्कुल फिट हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसको भी आपने ऐसे ही प्रेस कर देना, स्क्रू टाइप से स्क्रू को टाइप कर देना थोड़ा थोड़ा करके, सारे सभी को हाफ हाफ राउंड को मतलब स्क्रू टाइट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका फैन बिल्कुल फिट हो गया है। अब हमने इसकी वायरिंग के कनेक्शन करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वायरिंग आपने ऐसे निकालनी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक बार आपने खींची और इसी के साथ दूसरी तारे अटैच कर दी, और ये देखिए दूसरी वायरिंग भी नीचे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, इसके दो कलर हैं, ये बाहर वाली वाइंडिंग है और ये अंदर वाली है ब्लू वाली, तो आपने क्या करना है, इस दोनों तारों को आपस में ज्वाइंट कर देना है और ये मेन बन गई। और फ्रेंड्स, अगर भी आपने कोई भी कैपेसिटर लगाना है 48 इंची फैन में, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने 2.5 UF का कैपेसिटर लगाना है और अच्छी कंपनी का लगाना है। देखिए ये हैवल्स ब्रांड है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए हैवल्स का ब्रांड है, ये दिख रहा है आपको, तो हैवल्स का ही आपने कंडेंसर लगाना है, हैवल्स ओरिएंट हो जाए, कोई अच्छी कंपनी का ही आपने कंडेंसर लगाना है। और देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ, वैसे तो सीरीज में चेक करते हैं, लेकिन ये हमारा फैन न्यू बाइंडिंग है, चेक किया हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट ही चेक करके दिखाएंगे आपको। ये आपकी मेन होगी। और फ्रेंड्स, एक बात ज़रूरी मैं आपको बता दूं, जैसे आपका फ़ैन उल्टा घूमने लगे तो आपने फ़ैन को सीधा घुमाने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपने मेन वाइप चेंज करनी है, ये वाली रेड और ये रेड आपस में चेंज कर देनी है, तो जिससे सीलिंग फैन के RPM तो सीधे हो जाएंगे। तो अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक मेन यहाँ लगानी है और दूसरी मेन आपने रेड पे लगानी है, यानी कि बाहर वाली वाइंडिंग पर लगानी है, नीचे अंदर वाली वाइंडिंग पर नहीं लगानी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। देखिए फ्रेंड्स, कनेक्शन सारे अलग होने चाहिए, कोई भी आपस में टच नहीं होना चाहिए वायर, और ये आपने नेगेटिव पॉजिटिव में लगानी है। फ्रेंड्स, ये हमारे सीलिंग फैन बिल्कुल न्यू बाइंडिंग है और चेक किया हुआ है, तभी मैं इसे ऐसे चेक कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स फैन उल्टा घूम रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसको सीधा कैसे करना है, रेड वायर को आपने आपस में चेंज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स,
दोस्तों, अगर ये छोटी सी जानकारी मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।